हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टॉपिक है आज हमारे सामने, और वो है इंडियन इकोनॉमी एंड एफर्ट्स फॉर सेल्फ रिलायंस। रिलायंस या फिर रिलायंट लिखा हो तो आप समझ जाना एक ही बात है, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम लोग इंडियन इकोनॉमी किस तरह से एफर्ट्स कर रही है, इंडियन इकोनॉमी क्या और आत्मनिर्भर भारत के साथ किस तरह के संबंध है, वो सारी चीज़ें। नो डाउट हम लोग काफी लंबे टाइम से आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स को सुनते रहते हैं, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के बारे में सुनते हैं। अब इनका एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आपको करना है एक आर्गूमेंट राइटिंग, मैं आपको लगातार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सीएपीएफ के पेपर के अकॉर्डिंग, डिबेट राइटिंग, आर्गूमेंट राइटिंग, जो भी लिखा हो एक ही बात है। आर्गूमेंट में किस तरीके से आपको पॉइंट्स देने हैं, किस तरीके से आपको वहां पर उन सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो उसके फेवर में हो सकते हैं या उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, उन सबको बहुत खूबसूरत तरीके से ब्यूटीफुली क्या करना है आपको प्रेजेंट करना है, आंसर अपना यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो जितना अच्छा लिखोगे उसके लिए आपके पास उतना ही अच्छा कंटेंट होना भी जरूरी है, ठीक है। यू ऑल्सो नीड सम फैक्ट्स, आपको कुछ फैक्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी इस तरीके के एसे लिखने के लिए, इस तरीके के आर्गूमेंट्स लिखने के लिए या फिर इस तरीके के रिपोर्ट्स को लिखने के लिए। मैं जिस वो जो भी टॉपिक मैं उठा रहा हूँ आप लोगों के सामने, जो भी टॉपिक उठा रहा हूँ उसको इस चीज को ध्यान रखते उठा रहा हूँ कि वो टॉपिक आपके आर्गुमेंट राइटिंग में, आपके रिपोर्ट राइटिंग में और आपके एसे राइटिंग में काम आएंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो काफी हद तक सफल हो जाए, ठीक है। मैं इसलिए उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि जहां तक मैं पढ़ा रहा हूँ वहां तक आप लोग पढ़ भी रहे हो। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सेल्फ रिलायंस या सेल्फ रिलायंस को लेकर, तो लगातार हम लोग इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अब आखिरकार ये काम कैसे करता है सेल्फ रिलायंस? एक सेकंड, हाँ, तो आखिरकार ये काम किस तरीके से करता है हमको ये पता होना चाहिए। भाई हमारी जो इकोनॉमी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें आत्मनिर्भर भारत का क्या योगदान है, आपको ये पता होना चाहिए। लगातार हम लोग आत्मनिर्भर भारत के बारे में सुनते रहते हैं, एक स्कीम आई थी आत्मनिर्भर भारत की, ठीक है, और अभी 3.0 चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत 3.0 स्कीम चल रही है। आखिर ये है क्या, कोविड के टाइम पर इसने हमें किस तरीके से सपोर्ट किया है वो भी आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन रखी है आत्मनिर्भर भारत अभियान की। तो सबसे पहले तो सेल्फ रिलायंस या सेल्फ रिलायंस के 5 पिलर हैं, 5 थीम्स हैं, 5 एक तरह से बोले जाए पिलर्स हैं जिनके ऊपर आत्मनिर्भर भारत एक्चुअल में काम करता है। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, डेमोग्राफी एंड डिमांड। भाई बिना डिमांड के कोई किसी भी चीज़ में आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, बिना डिमांड के आप किसी भी चीज़ को बनाना का मतलब ही नहीं बनता है ना, तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी है। चलिए तो ये थे 5 पिलर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या अपनी जीडीपी को एक बूस्ट देना चाहती है, नो डाउट अभी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा फोकस करी आत्मनिर्भर भारत की तरफ, आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। बोल्ड रिफॉर्म्स नीड टू आवर, ठीक है, सप्लाई चेन को मेंटेन करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। रैशनल टैक्स सिस्टम, जो हमारा टैक्स सिस्टम है वो बहुत ज्यादा क्या है, रिग्रेसिव है, ठीक है, उसे क्या मतलब थोड़ा सा इजी बनाना, लोगों के लिए सिंपल करना और थोड़ी छोटी स्लिप्स मतलब इस तरह की छोटी स्लिप्स तैयार करना कि लोग इजीली टैक्स को पे कर सकें, सिंपल एंड क्लियर लॉ, ठीक है, कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम। अगर आप लोग देखोगे तो आपके पूरे के पूरे जो आर्गुमेंट राइटिंग है उसका सारा का सारा जो एक कंक्लूजन है ना वो यहाँ पर है आत्मनिर्भर भारत अभियान की इस इमेज में। मैंने इसीलिए इस इमेज को यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा है, ठीक है। ये आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर, आप खुद सोचिए, लेबर्स को, मिडिल क्लास लोगों को, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर में लगे हुए छोटी इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो नो डाउट अगर इस तरह के छोटे छोटे लेवल पर अगर हम लोग काम करेंगे तो नो डाउट इंडिया में जो पॉवर्टी की कंडीशन है वो खत्म होगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो खत्म होगी, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर क्या एक तरह से बोला जाए तो खुद से रीजनरेट करने की कंडीशन पैदा हो जाएगी, तो वो चीजें। और एक तरह से देखो तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, बट मैं इसके अलावा भी आप लोगों के सामने बहुत सारी चीजें रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे करोगे आप। आप लोगों ने डाला हेडिंग, अपना हेडिंग डालने के बाद आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, द
द इंडियन इकोनॉमी एंड द इकोनॉमिकल एफर्ट्स टुवर्ड द अचीविंग द सेल्फ रिलायंस। इंडिया विथ इट्स वास्ट पॉपुलेशन एंड डाइवर्स इकोनॉमी हैज बीन स्ट्राइविंग रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द फॉरेन इम्पोर्ट एंड एनहेंस द डोमेस्टिक कैपेबिलिटी। नो डाउट हमें पता है हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ी है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, और उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, बाहर से आने वाली जो वस्तुएं हैं उनको क्या करना है, कम करना है, और हमें मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या इंडिया में ही तैयार करना है। ये चीज इंडियन इकोनॉमी सेल्फ रिलायंस बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एक अच्छा देश बनाने के लिए, ग्रेटर कंट्रोल और ग्रेटर स्टेबिलिटी को लाने के लिए हमें क्या आत्मनिर्भर भारत को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेल्फ रिलायंस रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट आप खुद सोचिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारी इकोनॉमी सेल्फ रिलायंस रहेगी, आत्मनिर्भर रहेगी, तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि वर्ल्ड के जो अदर कंट्रीज हैं उनके पास एक स्ट्रिक्ट मैसेज जाएगा कि यार इंडियन इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्टेबल है कि हमें कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट को क्या करती है, काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। फिर इसके अलावा और क्या है कि जो दूसरे देश हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को जब देखते हैं कि यार इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्टेबल है, इतनी ज्यादा बेटर है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार यहाँ पर हमें एक अच्छी मार्केट भी मिल सकती है ना। वो जब देखते हैं यार इंडिया में इतनी अच्छी स्टेबिलिटी है, तो क्यों ना हम लोग इंडिया से प्रोडक्ट बाय कर लें। भाई जिस कंट्री की अगर इकोनॉमी अनस्टेबल है, वहां से अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो पता चला आपको कुछ दिन के लिए मिल गया और फिर कुछ दिन बाद नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के आसपास सबकी एक एक जैसी दुकानें सारी की सारी खुली हुई है, एक नया बंदा आया उसने भी दुकान डाल दी, आपने सोचा ये नया बंदा है अभी थोड़ा सस्ते में दे देगा ले लेते हैं, पता चला चार दिन बाद वो बंदा वहां से गायब हो गया। अब आपको कोई दिक्कत आ गई उस सामान में, आप किसके पास जाओगे, वो तो बोल देगा यार मैंने तो वो काम ही बंद कर दिया, है ना। तो वैसा ही इंडिया की इकोनॉमी के साथ भी है, अदर कंट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपनी स्टेबिलिटी बना के रखनी जरूरी है। मैंने अभी परसों नरसों हम लोग एक रिपोर्ट राइटिंग कर रहे थे हाउ इंडिया सेव द वेस्टर्न कंट्रीज। तो इंडिया सेव कैसे कर पाएगा वेस्टर्न कंट्रीज को, उसका सबसे बड़ा आंसर ही है कि अगर इंडिया आत्मनिर्भर रहेगा, अगर इंडिया आत्मनिर्भर कंट्री की तरह से रिएक्ट करेगा, कहीं ना कहीं हमारी अगर इकोनॉमी इतनी ज्यादा सस्टेनेबल होगी, इतनी ज्यादा बेटर होगी, तो 100% है कि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज का पूरे वर्ल्ड का देख रेख कर सकते हैं। इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि इंडिया पूरी दुनिया को क्या कर सके, कहीं ना कहीं टेक केयर कर सके, ठीक है, आप लोग इस बात को समझो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसीलिए इसको अच्छे से हमको क्या करना है, टारगेट करना है, अच्छे से इसको ऊपर फोकस करना है। कौन कौन से पॉइंट हैं जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ फोकस करते हैं, आर्गुमेंट्स कौन कौन से हैं, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो सबसे पहले तो कुछ स्कीम्स को जान लो, आखिर कौन कौन सी वो स्कीम्स हैं जो यहाँ पर कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, फिर इसके अलावा स्कीम फॉर फंड फॉर द रीजनरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर प्रोग्राम, ये सारी वो स्कीम्स हैं जो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा आप मेक इन इंडिया को ऐड करोगे, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंडअप इंडिया, ठीक है, इस तरीके के प्रोग्राम्स को भी आपको क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं, बताने हैं कि क्या क्या चल रहा है। ये जो फैक्ट्स है ना, ये जो बातें हैं जो आप फैक्ट लिखते हो, वो फैक्ट कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होता है, जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी, उसके माइंड में ना एक बड़ा क्लियर सी इमेज बना देता है कि आपको प्रेजेंट में जो भी चीजें चल रही हैं उनके बारे में अच्छे से नॉलेज है। आप किसी भी बात को लॉजिकली जीत नहीं सकते, आप लॉजिकली आप सामने वाले को मतलब कहीं ना कहीं आप लॉजिक देकर, कोई लॉजिक स्टिक देकर अपने आर्गुमेंट में कहीं पर आप सामने वाले को दिखा सकते हो कि हाँ यार मैंने तुझे चुप कर दिया, या मैंने तुझे बता दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छे से आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। बट अगर आपको उसको अपनी सपोर्ट में लेकर आना है, ठीक है, उसको अपनी तरफ लेकर आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट रखने पड़ेंगे, है ना। तो इसी तरीके की स्कीम्स, इसी तरह की इंफॉर्मेशन को डाल को आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी बेटा।
ठीक है, तो प्लीज जितने भी लोग हैं एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कितने लोगों को बात समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो हाँ बोलो, नहीं आई है तो बताओ क्या डाउट आ रहा है। ठीक है चलो, तो प्लीज भाई वीडियो को सब लोगों को लाइक करना है, शेयर जरूर करना है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से भाई, बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है वीडियो को लाइक करने की, शेयर करने की, कमेंट करने की। किया करो यार कमेंट, इन्फॉर्मेशन सारी दिया करो हम लोगों को, ताकि हमें पता चल जाए कि कितने लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। फ्री कोर्स आप लोगों के लिए ये पूरा का पूरा, द रोल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, इस पॉइंट को आपको फोकस करना है कि आखिर रोल क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इंडियन इकोनॉमी में। इस पूरे आर्गुमेंट में आप इन चीजों का, इन बातों का क्या करोगे, यूज कर सकते हो। और क्या, द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस ऑफ इंडियन ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्रीज, इस पॉइंट को आप टारगेट कर सकते हो। मैं अभी आपको वो बता रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करना है। द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन द सेल्फ रिलायंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, आपको इस चीज को भी कहीं ना कहीं समझाना पड़ेगा भाई। अगर आप सेल्फ रिलायंस हो जाओगे तो वर्ल्ड के दूसरे देशों से खरीदना बंद कर दोगे, तो वो बोलेंगे तू हमसे सामान नहीं खरीदे तो भाई हम तेरे से क्यों खरीदे। दुकानदारों में होता है ना कि भाई तू मुझे सपोर्ट कर, मैं तुझे सपोर्ट करूँ, तू मेरे से खरीद मैं तेरे से खरीदूंगा। एग्जैक्टली वही चीज इंडिया के साथ भी है। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट में किस तरह से देखा जाएगा, इंडिया अगर हमें सपोर्ट कर रहा है, हमसे कोई सामान खरीद रहा है, तो ही हम इंडिया से सामान खरीदेंगे ना। फिर और क्या आता है, द चैलेंजेस टू अचीव द सेल्फ रिलायंस इन अ ग्लोबल इकोनॉमी। जब ग्लोबलाइज इकोनॉमी है, जब ग्लोबल इकोनॉमी की, इसके ऊपर शायद ऐसे या रिपोर्ट राइटिंग हम लोगों ने पहले भी एक बार कर रखी है। जब एक कंप्लीट ग्लोबल इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि वो कौन सी मेन बातें हैं, ये वो कौन सी मेन पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चैलेंज साबित हो सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। नो डाउट आप हर किसी भी कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बंद नहीं कर सकते, है ना, समझो इस बात को। चलो तो फाइनली बात करते हैं आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ। अब देखो आर्गुमेंट राइटिंग का इंट्रोडक्शन पता चल गया, आपको फैक्ट पता चल गए, अब आते हैं मेन आर्गुमेंट्स। अब मैंने तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, आपको इसको क्या करना है, प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले क्या, इकोनॉमिकल सोवर्जिनिटी आती है, ठीक है, इकोनॉमिकल सोवर्जिनिटी आती है, तो इसके आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आर्थिक संप्रभुता, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत की प्रारंभिक अगर हम लोग देखें प्राथमिकता जो होती है वो क्या है, इंडियन इकोनॉमी को आगे लेकर आना। मेन जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन हमारा फोकस है वो क्या है, इंडियन इकोनॉमी को आगे लेकर आना, ठीक है। फॉरेन से जो इतना ज्यादा इम्पोर्ट हमारा होता है उसको क्या करना है, जितना हो सके कम करना। अदरवाइज किसी भी ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन में हम लोग क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। सामने वाला कंट्री हमें कुछ सामान देने से मना कर दे तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, वो एक बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है ऐसे में हमारे लिए, ठीक है। फिर इंडिया में जो फॉरेन मार्केट इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है उसको क्या करना, कमजोर करना, ताकि हमारी इंडिया की जो मार्केट है वो क्या कर सके, धीरे धीरे ग्रो कर सके। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो 101% क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी जो इकनॉमी है, हमारी जो अपनी जो डोमेस्टिक इकनॉमी वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। हमें फिर ऐसे में छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स बाहर से मंगवाने की नहीं होती, वो भी हमें मजबूरी में क्या करने पड़ेंगे, बाहर से मंगवाने पड़ेंगे, है ना। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सेल्फ सोवरेनिटी। तो सीधे सीधे बोला जाए तो अपनी डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है उसको क्या करना, बूस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे इकोनॉमिकल सोवरेनिटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आता है क्या, जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट। जब लोग यहाँ पे बात करते हैं जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर क्या आएगी बात, भाई सीधी सी बात है, आत्मनिर्भर, जब हम लोग बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए जॉब क्रिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सीधी सी बात है। हम लोग मेन फोकस क्या है यहाँ पर, जॉब क्रिएशन है ना। जब जॉब क्रिएशन पे आप फोकस करोगे, जब तक लोगों को जॉब नहीं मिलेगी तब तक किस तरीके का आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत करने का पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज इंडिया में लगे, मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग, है ना। जब मैक्सिमम इंडस्ट्रीज लगेंगी तो उसकी वजह से क्या, स्किल्ड लेबर कहीं ना कहीं जनरेट होगा, स्किल्ड लेबर को जॉब मिलेगी, और लोगों के अंदर भी ये चीज जागी कि यार हम लोग भी क्या करें, अपने अंदर जितना हो सकता है बेटर स्किल्स को डेवलप करें ताकि हम लोगों को ज्यादा अच्छी जॉब्स मिल सके। आई होप बात समझ में आ रही होगी, जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, है ना, जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट। फिर आता है यहां पर क्या,
टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भाई, सीधी सीधी बात है भाई, आज के टाइम पर ज्यादा से बड़े बड़े जो टेक जाइंट्स हैं, ठीक है, जितने भी टेक जाइंट्स हैं, ये सब के सब कहाँ पर हैं? अमेरिका में। कोई भी बड़ी कंपनी इंडिया में क्यों नहीं इस्टेब्लिश हो रही? ये हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है कि यार हमको इंडिया में चाहिए। अब आज के टाइम पर इंडिया में बहुत बड़े बड़े ब्रांड धीरे धीरे आ रहे हैं, जिसमें से एक का नाम है क्या, इन्फोसिस, ठीक है, विप्रो, इसके अलावा एक बहुत बड़ा ब्रांड जोहो। ये सब के सब क्या इंडिया में आए हैं? जोहो तो इंडिया का अपना सबसे बड़ा स्टार्टअप है, सबसे बड़े स्टार्टअप, और ऐसा स्टार्टअप जो कंप्लीट प्रॉफिट में है, कंप्लीटली, मतलब क्या कर रहा है एक तरह से, मतलब जिसने इंडियन में टेक्नोलॉजिकली अगर देखा जाए सबसे ज्यादा एडवांस कंडीशन में वर्क कर रहा है, एक ऐसा स्टार्टअप, और ऐसा स्टार्टअप जो गांव में कंप्लीटली साउथ इंडिया के गांव में एस्टेब्लिश है, पूरा का पूरा स्टार्टअप। इनके खुद के फाउंडर साउथ इंडिया में एस्टेब्लिश है, एक गांव में आराम से। तो बहुत बड़ा हमें क्या, एक कहीं ना कहीं ये एक गैप देखने को मिलता है कि जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, टेक जॉइंट्स होते हैं, वो इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं होते। तो हमें इंडिया में उनको क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है। और ये एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, जब हम लोग मेक इन इंडिया की तरफ फोकस करेंगे। अभी आप लोगों ने ऑलरेडी देखा कि मेक इन इंडिया की वजह से इंडिया में बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप आए, खासतौर से एडटेक बहुत सारे आए। अब एडटेक के साथ वो बात अलग है कि थोड़ी सी दिक्कत हुई, इतने सारे ले ऑफ हुए, लोगों को नौकरी से निकाला गया, वो भी एक मतलब क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट है हमारा। बट कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है वो इनको बूस्ट तो कर रही है। आखिर इतने सारे स्टार्टअप आए हैं, कैसे आ गए? ऐसे ही तो नहीं आ गए होंगे ना, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, कुछ ना कुछ तरीका रहा होगा ना इस इन सबको बूस्ट करने का। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो देश है, हमारे जो लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी क्या करें, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, आगे बढ़े। और वो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया के थ्रू हम लोग फोकस कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ फोकस कर रहे हैं। इससे फिर आता है स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहते हो कि हम इंडिपेंडेंट है, पर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। क्यों? आप डिपेंड हो यूएसए के ऊपर, आप डिपेंड हो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, यूरो कंट्रीज के ऊपर। क्यों डिपेंड हो? क्योंकि आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स तो वहां से आ रहे हैं तैयार होकर। आप क्या बना रहे हो, आप क्या लेकर आ रहे हो? तो स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा भाई। हम लोग कहने के लिए, दिखने के लिए तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, बट एक्चुअल में कंप्लीट डिपेंड है किसके ऊपर, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर। अगर हम लोग इसको डिफेंस पर्पज से देखें, आज के टाइम पर हम लोग जीपीएस का यूज करते हैं। कल मान लो कोई भगवान ना करे, कोई किसी कंट्री के साथ हमारी वॉर हो जाए और अमेरिका बोल दे मैं अपना जीपीएस बंद कर रहा हूँ, मैं इंडिया को जीपीएस नहीं दूंगा, तो इंडिया क्या करेगा? समझो, तो स्ट्रेटजिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे जो पॉइंट है, ये क्या हो गए, आपके फेवर में। ठीक है, अब जरा बात करते हैं अगेंस्ट में कौन कौन से पॉइंट्स हैं इस आर्गुमेंट में। तो सबसे पहले तो ग्लोबल इंटरकनेक्टिंगनेस भाई, कहीं ना कहीं अगर आप निर्भर होने की सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं विश्व के और देशों से आप क्या कर रहे हो, अपने आप को अलग कर रहे हो। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, दूसरे देशों के साथ फिर आपका कहीं ना कहीं जो ट्रेड रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और जब ट्रेड रिलेशन बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं रिलेशन भी क्या हो जाएंगे, बिगड़ेंगे उसमें। ठीक है, तो जो हमारा वैश्विक, आज के नो डाउट आज के टाइम पर हम लोग एक ग्लोबलाइज मतलब वर्ल्ड में रह रहे हैं, और जब हम लोग ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे में आत्मनिर्भर होने की बात करने में थोड़ा सा लोग या कंट्रीज हिचकिचाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको पता है अगर हम लोग आत्मनिर्भर होने की बात करेंगे, कंप्लीट अपने ऊपर आ जाएंगे, सेल्फ रिलायंस होने की कोशिश करेंगे, तो 100% दूसरे देशों से के साथ जो हमारे रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ेंगे। कहीं ना कहीं हमारा जो उनके साथ मार्केट रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इससे एक ओपन इकोनॉमी, एक ओपन ट्रेडिंग रिलेशन डेवलप करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। भाई अगर आप लोग अपने देश में चीजों को बनाओगे, तो शुरुआती समय में क्या चीजें बहुत ज्यादा महंगी होंगी। आप भी ये चीज नोटिस करते होगे, जब आप लोगों को कोई चीज चाइनीज सामान मिलता है, भाई सीधा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लेता हूँ, आप लोग रेडमी का फोन यूज करते हो, ठीक है, ओप्पो का फोन यूज करते हो, वीवो का फोन यूज करते हो, तीनों कंपनीज एक ही कंपनी से ऑनलाइन है, बस ब्रांडिंग अलग रखी है। तीनों कंपनीज कहाँ से? चाइना से। वहीं पर इंडिया की कौन सी है?
माइक्रोमैक्स, और कौन सी है माइक्रोमैक्स के अलावा? लावा, लावा, ये दोनों कंपनियां इंडियन है, ओरिजिन की हैं। अब आप खुद फोकस करो कि ज्यादातर फोन हम लोग कौन सी कंपनी के यूज कर रहे हैं, चाइनीज क्यों यूज कर रहे हैं भाई? एक्चुअल में क्या है कि चाइना तो डंपिंग अपना स्ट्रेटेजी अपनाता है, वो लाता है और सस्ते में, जितना सस्ता हो सकता है उतने सस्ते में इंडिया में लॉन्च करने की कोशिश करता है, 5,000 में, 7,000 में, 3,000 में, 10,000 में, खूब सस्ते सस्ते फोन बांट देगा लोगों के हाथ में, कि लोगों के हाथ में इतने सस्ते में फोन आ जाएंगे लोग इंडियन मोबाइल की तरफ फोकस ही नहीं करते। जबकि इंडियन कंपनी को बेचारों को सपोर्ट चाहिए होता है, पर ये इनको सपोर्ट मिल ही नहीं पाता। जब इनको सपोर्ट नहीं मिलता तो इनको ये बेचारे जो दो चार फोन निकालते हैं उनको ये क्या करना पड़ता है, ये कॉस्टली हो जाते हैं ना कॉस्टली। तो इनिशियली जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो क्या प्रोडक्ट हमारे कॉस्टली होते हैं, और बाहर से हमें जो सस्ते प्रोडक्ट मिल रहे हैं फिर वो हमारे हाथ से क्या निकल जाएंगे, और हम लोगों को इसी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टैकल करना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये कि बाहर से आने वाले जो सस्ते प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे लिए महंगे हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यही है कि बाहर से मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं सस्ते वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे लिए यहाँ पर महंगे हो जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। वर्ल्ड की अदर कंट्रीज के साथ आप किसी भी तरह के इनोवेटिव आइडिया को शेयर नहीं कर पाओगे आत्मनिर्भर भारत के तहत। हमको इन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, ट्रैकल करना पड़ता है। ग्लोबल लोग मतलब अगर आप लोग देखोगे आज के टाइम पर इंडिया और अमेरिका के बीच में, अभी जो अभी डिस्कशन हम लोग देखते हैं, इंडिया और नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे और वहां पे जाकर डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन में उन्होंने बात की कि इंडिया की इसरो और अमेरिका की नासा दोनों मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे साथ में, और इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन जो मिशंस हैं उसमें अमेरिका क्या करेगा, इंडिया की हेल्प करेगा। तो ये जो ग्लोबल कोलैबोरेशन है, जो इनोवेशन है, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की वजह से ये क्या हो सकता है, अगर हम लोग इतना ज्यादा फोकस रहेंगे आत्मनिर्भर भारत के ऊपर तो कहीं ना कहीं ये कोलैबोरेशन और ये जो इनोवेशन होती हैं दूसरे देशों में वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगी। फिर दूसरे कंट्रीज बोलेंगे आप तो ऑलरेडी आत्मनिर्भर भारत की तरफ हो तो फिर आप हमसे क्यों हेल्प लोगे, बात समझाई? तो वो एक प्रॉब्लम बन सकती है। फिर मार्केट एक्सेस एंड डाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ फोकस करेंगे दूसरे देश बोलेंगे यार आप हमारा सामान ये जब इंपोर्ट नहीं करें तो फिर हम आपसे एक्सपोर्ट क्यों करें, जब आप हमसे कुछ खरीद नहीं रहे तो फिर हम आपसे क्यों खरीदे कुछ, है ना? तो जब वो कुछ खरीदेंगे नहीं हमसे तो फिर ये दिक्कत आएगी कि फिर से सेम वही प्रॉब्लम होगी कि यार आत्मनिर्भर भारत की तरफ फोकस कर रहे हैं इसीलिए हम बाहर से खरीदेंगे कम बेचेंगे ज्यादा, बट ये पॉसिबल नहीं है। ये ट्रेडिंग बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चलती है, एक हाथ दे एक हाथ ले वाली, है ना, कि अगर आप हमसे कुछ लोगे तो अभी हम आपको कुछ देंगे। तो बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पे भी है, हमको अपनी इंडियन मार्केट का एक्सेस दूसरे कंट्रीज को देना पड़ेगा, दूसरे कंट्रीज को उनकी अपनी जो मार्केट है उसका एक्सेस किसको देना पड़ेगा, हम लोगों को देना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो कौन कौन से पॉइंट्स थे जो इसके सपोर्ट में है, कौन कौन से पॉइंट इसके अगेंस्ट है, तो फेवर और अगेंस्ट दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गई, आई होप समझ में आ गई होंगी। अब ये पूरा का पूरा मैंने क्या एक एंडिंग लिखी है, और एंडिंग में क्या लिखा है मैंने बताया है कि इंडिया सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और ये एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल क्या है एफर्ट्स से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर क्या अपनी इकोनॉमिकल सोवर्जिनिटी, जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, इन सबको क्या बैलेंस हमको करना पड़ेगा ग्लोबल वर्ल्ड के साथ। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं क्या ये जो एक आत्मनिर्भर भारत की स्थिति लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कंडीशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी क्या पॉसिबल नहीं है। हम लोग विदाउट फॉरेन कंट्रीज के सपोर्ट के हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, ये बात भी क्या है बिल्कुल सच है भाई। अगर सीधी सीधी बात है, अगर आप लोग मान लो आत्मनिर्भर भारत होने की बात कर रहे हो तो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर के देशों के साथ सपोर्ट लेना पड़ेगा। जब तक आप अदर कंट्रीज के साथ सपोर्ट नहीं लोगे, आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, तो फिर आप किस तरीके से एडवांस हो सकते हो, किस तरीके से आप इंडिया में इन चीज़ों को प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। सीधा सा एग्जांपल है, हम लोग टेस्ला की बात करते हैं। अब इंडिया में जो व्हीकल्स आ रहे हैं नो डाउट वो ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं, टेस्ला भी ईवी व्हीकल्स बना रहा है। अब टेस्ला और इंडिया में दोनों में ईवी व्हीकल बन रहे हैं और दोनों ही ऑलमोस्ट सेम हमको वो दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। बट टेस्ला में एक अच्छी चीज़ क्या है कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हैं। अब सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल जो टेस्ला की कार है वो करीबन करीबन अगर
इंडिया में जो टैक्सेस हैं, अगर आप इंडिया में बनाते हो सेम व्हीकल को, तो वो व्हीकल आपको पड़ेगा कितना, 30 लाख के आसपास। पर वही व्हीकल अगर आप बाहर से ले रहे हो, तो फिर उसकी जो कॉस्टिंग हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 50 लाख के आसपास। इतना मैसिव टैक्सेस हैं इसके ऊपर। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जो स्ट्रेटजी बनानी है, उसमें हम लोगों को चीज़ों को क्या करना है, बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाना पड़ेगा। हमें इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें इंडिया की जो इकोनॉमी हो किस तरीके से आगे बढ़ सकती है। हमें इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना पड़ेगा कि विदेशों और देशी, जो हमारा डोमेस्टिक और ग्लोबल जो हमारी मार्केट है, उसका क्या एक अच्छा कोलेब्रेशन तैयार हो सके, इकोनॉमिकल कोलेब्रेशन ज़्यादा बेटर बन सके, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को हम लोग अचीव कर सकते हैं, तो नो डाउट हम लोग इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। इंडिया जो एक प्रोस्पेरस कंट्री बनने की कोशिश कर रहा है, इंडिया जो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उस टारगेट को, उस चीज़ को अचीव कर पाएगा, अगर प्रॉपर कोलेब्रेशन इंटरनेशनल कंट्रीज, मतलब इंटरनेशनली ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा अच्छे से एक्सेस चाहिए, तो हमको क्या अपनी जो स्ट्रेटजीज होंगी आत्मनिर्भर भारत की, उसी तरीके से बनानी पड़ेगी। बेटर चीज़ क्या है, खूबसूरत चीज़ क्या है, कि इंडिया जिस तरीके से काम कर रहा है वो बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। इंडिया आत्मनिर्भर भारत को जिस तरीके से लेकर चल रहा है वो बिल्कुल यही तरीका है। इसीलिए हमें आज के टाइम पर इंडिया और यूएसए का एक कोलेब्रेशन देखने को मिलता है। अभी यूएसए और इंडिया का आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन जो मिशन हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी को आपस में शेयर करते हुए मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे, वो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन एक्चुअल में यही है, ठीक है। आई होप आप लोग बात को समझे होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे जल्दी से बताओ, ठीक है। हम लोग, मैं उस बात को कमेंट में जरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो भी आप लोगों के डाउट हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ज्यादा खूबसूरत टॉपिक भी है। इस तरीके के टॉपिक एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और आर्गूमेंट राइटिंग तीनों में ही आ जाता है। एंड प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके बेटा प्लीज प्यार दो अपना, लाइक करो वीडियो को जितना हो सके। एंड प्लीज कमेंट करके आप लोग टॉपिक बताओ, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए। साथ साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमको पता चलता है कि कितने नए लोगों तक ये वीडियो पहुंचा है। आप लोगों का ये प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे इस चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो प्लीज हम लोगों से जुड़े रहिए और जितना हो सके हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।